21 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के गृह क्षेत्र में विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के दिग्गजों ने शिरकत की। नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के गृह क्षेत्र में सोमवार को अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। रैली में केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, उचाना से बीजेपी उम्मीदवार प्रेमलता, बरवाला से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र बरवाला और हांसी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद भ्याणा, मध्य प्रदेश की सागर विधानसभा से बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। रैली में जहां पंडाल दुल्हन की तरह सजाया गया था, तो वहीं हलके के सभी कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह भी देखने को मिला। नजर आ रही है नाच गाकर महिलाएं अपनी खुशी का इजहार कर रही है। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कैप्टन अभिमन्यु मेहनती कार्यकर्ता है। प्रदेश भर में जितने भी वित्त मंत्री हुए, उनमें कैप्टन अभिमन्यु सबसे सफलतम वित्त मंत्री हैं। खट्टर जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री अभिमन्यु जी की सलाह पर जो योजनाएं बनाई, आज देश की अनेक सरकारें उन योजनाओं पर अनुसंधान कर रही हैं, हरियाणा से सीख ले रही हैं। इसलिए मैं अभिमन्यु जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपका योगदान पिछले 5 वर्षों में निश्चित रूप से इस हरियाणा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले कल में भी यह जनता आपको आशीर्वाद देगी और आने वाले 5 वर्षों में सरकार के मंत्री के रूप में आप सिर्फ हरियाणा की तस्वीर नहीं बदलेंगे, हरियाणा की तकदीर बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। रैली में कैप्टन अभिमन्यु ने दावा किया कि इस रैली के बाद एक तरफा माहौल होगा और 50,000 वोटों से उनकी जीत होगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 5 साल मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, हमने सिर्फ अभी नारनौंद में विकास की नींव रखी है, हमें सपनों का नारनौंद बनाना बाकी है। 5 साल में आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपका कर्ज सूद समेत उतारूंगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा में आज बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी आसपास नहीं है, कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार चल रही है और बीजेपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, इसलिए प्रदेश में फिर एक बार मनोहर सरकार होगी। कि फिर एक बार मनोहर सरकार, अब की बार और नारनौंद में उचाना बरवाड़ा हांसी भी कम नहीं होगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक एक गांव में मुझे आपके बीच में जाने का मौका मिला, 5 साल आपकी चौकीदारी सेवा करने का मौका मिला, अपने हलके की तस्वीर को बदलने का मौका मिला। अब नए नक्शा दिमाग में लेकर के आपकी सेवा का मौका फिर मांगता हूं और अगले 5 साल एक नया नारनौंद का निर्माण हम अपनी 36 बिरादरी को साथ मिलकर के करने वाले हैं। साथियों, हमने काम का केवल अभी बीज लगाया है, हमने अभी केवल मात्र एक बुनियाद रखी है, अपने सपनों का नारनौंद बनाना अभी बाकी है और आप और हम सब मिलकर के बनाएंगे। मेरे काम करते करते, विकास करते करते एक फौजी आदमी हूं, काम की लगन, काम की अगन में आपकी सेवा करते करते मुझसे कोई भूल, मुझसे कोई चूक, मुझसे कोई गलती, मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उसका सजा मेरे नारनौंद के भविष्य को मत देना, मैं आपने आपको। साथियों, हमें आपका अगले 5 साल रात दिन काम करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने जहां कैप्टन अभिमन्यु की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु ने वित्त मंत्री होते हुए
हरियाणा राज्य में विकास करने के लिए जितना पैसा जुटाने का काम किया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कैप्टन अभिमन्यु को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें। रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर कैप्टन अभिमन्यु भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। जनता टीवी के लिए नारनौंद से अजय लोहान की रिपोर्ट।